इसी ट्रेनिंग में आपको कंप्रेसर के पंपिंग के बारे में बताया जाएगा, जो कंप्रेसर का पंपिंग है, जो कंप्रेसर का प्रेशर है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि कंप्रेसर में कितना प्रेशर होना चाहिए, कितना प्रेशर होता है हमारा, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। देखिए मेरे कंप्रेसर चालू, अगर मेरा कंप्रेसर चालू करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको बोलते हैं रिले, इसको बोलते हैं रिले और इसको बोलते हैं ओवरलोड। हम अब ओवरलोड रिले हम क्या करते हैं टर्मिनल के पिन में लगाते हैं। देखिए ये ओवरलोड हमारा लगता है, हमारा कहाँ लगता है, ये जो टर्मिनल का पिन कॉमन पिन होता है, कॉमन वाले पिन में ये लगता है। देखिए ये कॉमन ऐसे लगता है, लग गया हमारा। अब आ गया रिले, हमारा रिले कहाँ लगता है, हमारा जो रनिंग स्टार्टिंग पिन है उसमें लगता है। देखिए ये इन दोनों पिन में लगता है, ये लगता है। अब क्या करेंगे हम, एक सप्लाई देंगे, एक देंगे फेस देंगे हम ओवरलोड को, एक न्यूट्रल देंगे हम कहाँ रिले वाले को। देखिए ये मेरा बोर्ड है, बोर्ड का दो पिन वायर है हमारा, हम एक लगाएंगे इसमें, ये आपका ओवरलोड वाले में, एक लगाएंगे हम रिले वाले पिन में, रिले वाले पिन में। अब क्या करेंगे हम मेन बोर्ड का वायर क्या करेंगे इस बोर्ड में लगा देंगे, ये बोर्ड में लगा देंगे और इसको चालू कर दिए। चालू करने के बाद अब देखिए इसका प्रेशर, देखिए फेंका ना कंप्रेसर चालू हो गया हमारा, इसका प्रेशर फेंक रहा हमारा, देखिए प्रेशर पे डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर होता है और ये सेक्शन लाइन हमारा जो प्रेशर घिस रहा हमारा सेक्शन लाइन है और ये चार्जिंग लाइन हमारा हमारा ठीक ना। जब भी हम इसका प्रेशर चेक करना हो हमका कि प्रेशर हमारा सही है हमारा, तो क्या करेंगे हाथ द्वारा पकड़ेंगे, इसे हाथ से पकड़ेंगे और इसका जोर से पकड़ेंगे, इसे ऐसे जोर से पकड़ेंगे। अगर प्रेशर मेरा फेंक रहा है इसका मतलब इसका प्रेशर बिल्कुल हमारा सही है, अगर प्रेशर मेरा नहीं फेंक रहा हमारा हाथ लगाने पर नहीं फेंक रहा प्रेशर, इसका मतलब हमारा पंपिंग इसका फेल है, खराब है। अब देखिए अब आपको क्या करना, इसका प्रेशर कंपाउंड गेज द्वारा चेक करना। ये मेरे पास कंपाउंड गेज है हमारा, कंपाउंड गेज होता है हमारा जिसमें हमारा तीन प्रेशर है। देखिए हाई प्रेशर रेड वाला हाई प्रेशर हो गया और बीच का जो होगा हमारा येलो वाला हमारा बीच का प्रेशर हो गया जिसको बोलते हैं लो प्रेशर बोलते हैं, ये वो बीच का मीडियम प्रेशर बोलते हैं, ये वाला लो प्रेशर बोलते हैं हमारा, हाई प्रेशर मीडियम प्रेशर लो प्रेशर हमारा। अब इससे हम क्या इसका प्रेशर चेक करना, देखिए हम क्या करेंगे अब हाई प्रेशर कहाँ लगाएंगे हम, ये डिस्चार्ज लाइन में, ये डिस्चार्ज लाइन के वाल में लगाएंगे, ये लगा। अब देखिए मेरा इसको हम वाल को बंद करेंगे, ये देखिए हमारा जो कांटा जा रहा है हमारा, देखिए जा रहा है 200 गया हमारा, 400 गया हमारा, ये 500 जा रहा हमारा, ऐसे कांटा आपका बढ़ता जाएगा हमारा, ये समझिए इसका पेपर इसका प्रेशर बिल्कुल क्या है बिल्कुल सही हमारा। देखिए कांटा बढ़ते जा रहा है ना, इसका प्रेशर बिल्कुल सही हमारा, ये हाई प्रेशर हमारा, इसका इसका पावर हमारा बिल्कुल सही है। अगर यही प्रेशर हमारा क्या होता है, ये हमारा यहाँ 100 रहता 150 जाता उससे ऊपर रिवे नहीं करता, तो समझिए कि प्रेशर हमारा क्या होता बिल्कुल हमारा खराब रहता। इसका प्रेशर चेक करने के लिए हम गेज द्वारा भी माध्यम से हम प्रेशर को चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हम चेक करने के लिए सारे प्रेशर को हम बारी बारी से चेक कर बता सकते हैं कि मेरा कंप्रेसर में कितना प्रेशर है, कितना कम है, कितना खराबी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम अगला वीडियो में आपको फिर नए नए वीडियो बना के अपलोड करते रहें। धन्यवाद।